लेकर चले जाते हैं जो कोई ठीक तरीका नहीं है। मतलब जी सर, बहुत बड़ी बेइंसाफी हो रही है। इसकी वजह ये है कि अगर हमें यहाँ पे आप कठुआ से लेके जम्मू तक की मार्केट लगा लो, हर किसी को अगर फ्लाईओवर मिला है तो हमें क्यों नहीं मिला? हमें भी मिलना चाहिए था। यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स हैं जो हम सभी बेरोजगार हो रहे हैं। एक एक शॉप पे कम से कम तीन तीन फैमिली सर्वाइव कर रही हैं, कम से कम तीन। मेरी इवन अपनी बात करूँ तो दो शॉप्स हैं और तीन फैमिलीज हम पल रही हैं, जिनमें हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी आ रहे हैं। आप बताओ कि अगर दुकानें चली गई हम कहाँ जाएँगे? आप इतना बता दो, दुकानें गई या तो हमें वही एक काम कर दो, या तो हमें स्टैंड के बदले लैंड दे दो, लैंड के बदले लैंड दे दो, या हर फैमिली के मेंबर को एक एक को जॉब दे दो अगर दे सकते, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हुए हैं, कोई ऐसा तो है नहीं है, उनको नौकरियां है नहीं, कम से कम जॉब ही दे दो अगर हमारी दुकानें लेनी है तो। दो हाईवे आ रहे हैं, एक्सीडेंट के भी चांसेस पड़े। एक्सीडेंट सर, ये इतना सा रोड है, इसे क्रॉस करने में बच्चों को, महिलाओं को इतनी प्रॉब्लम होती है, हम कभी कभी हम भी धोखा खा जाते हैं। आप सोचो इतना बड़ा रोड होगा, हम कैसे क्रॉस करेंगे? अब हाईवे तो नेसेसरी है, हम कह रहे हैं कि चलो हाईवे आप करो, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि हमें डेवलपमेंट मिल रही है, J&K में भी कुछ अच्छा हो रहा है, पर ये है ना कि आप ये चीज़ सोचो कि हमारे रोजगार लूट रहे हैं, इसमें हमें क्या फ़ायदा? भेदभाव भी हो रहा है, बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है सर। कश्मीर में सब कुछ दिया जाता है, जो मांगे वही मिल जाता है, हमें क्यों नहीं? हमने मांगा क्या है, सांबा में अगर फ्लाईओवर है, गगवाल में फ्लाईओवर है, तो ये इतना सा छोटा सा ये स्टॉप क्यों छोड़ा? अगर आप गगवाल से ही आ जाते फ्लाईओवर पे, प्लाव मोड़ जाके या आगे जाके कहीं आप नीचे कर देते। अगर आपने सांबा को छोड़ा, गगवाल को छोड़ा, जतवाल क्यों नहीं छोड़ सकते? सर हमारी यही डिमांड है, प्लीज़ हमें हाईवे दे दो अगर दे सकते हो, अदरवाइज हमें लैंड के बदले लैंड दे दो, या फिर हमारे पर फैमिली मेंबर को एक एक को जॉब दे दो। अगर नहीं मानेंगे तो आगे प्रदर्शन? सर आंदोलन तो चलेगा, इस पे चलेगा, क्योंकि अगर आप बाकियों को नहीं देते ना तो शायद हम छोड़ देते, पर अगर बाकियों को दिया तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? कि हमारे व्यापार मंडल के जितने ही आदमी इधर काम करते हैं, व्यापारी लोग, उनकी यही डिमांड है कि हमारे इधर एक फ्लाई ओवर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इधर दुकानें हैं वो रोड में आ रही हैं, 6 लाइन में, इसलिए हमारे लोगों को बहुत मुश्किल करनी पड़ रही है, क्योंकि जो बिजनेस है वो सारा दारोमदार इसी पर है। हमारे बच्चे जो हैं वो भी क्वालिफाइड हैं, MSc की है, किसी ने BSc की है, किसी ने कंप्यूटर की इंजीनियरिंग की है, वो सभी बेरोज़गार हैं, क्योंकि वो चार चार पांच पांच बंदे एक ही की दुकान में काम कर रहे हैं। अगर उनको नौकरी नहीं है तो फिर जो जे काम छोड़कर कहाँ जाएंगे? और हमें बहुत मुश्किल है इधर, हम दुकानों पर, जे दुकानें 60 साल पुरानी हैं, 70 साल बिजनेस चल रहे हैं, दादे परदादे की जे देन है, क्योंकि आगे जे काम चल रहा है। क्या चाहते हैं? हम जे चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट से यही है कि हमें इधर फ्लाईओवर दिया जाए, और हमारी जो मार्केट है, दुकानें जो हैं वो सेफ होनी चाहिए, और इनको बचाया जाए ताकि हम अपनी रोजी रोटी पूरी कर सकें। ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किन क्या डिमांडें रहेंगी आपकी, और अगर आपकी डिमांड नहीं मानेंगे तो आगे क्या एक्शन रहेगा? देखो सर, हमारी डिमांड ये है कि इधर फ्लाईओवर बनना चाहिए। हमारे DC साहब ने पहले किया था कि ऑब्जेक्शन दो, हमने ऑब्जेक्शन लेकर दिए, देवकाम साहब को ऑब्जेक्शन लेकर दिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, उनका कोई जवाब नहीं दिया। एक पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो जो हमारी दुकानें हैं ये आज की नहीं, बहुत पुरानी हैं। तीसरी बात ये है कि हमारे बच्चे जो है वो क्वालिफाइड बच्चे हैं, वो जहाँ पर एडजस्ट हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी सुनी नहीं रही। पर पिछले साल क्या हुआ कि तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट इधर आया और बिना किसी को इन्फॉर्म किए ऐसे ही पमाइश करना शुरू कर दिया। मतलब जो कोई तरीका नहीं, हमें पता नहीं, हमें जगह दे दें, इसके अगेंस्ट हमें जगह दे दें,
ताकि हम कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकें। नहीं तो अब हमारे जो होगा कि अगर गवर्नमेंट ऐसा किया तो हम सख्ती से मतलब आंदोलन शुरू कर देंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम चुपचाप बैठेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे बेकार हुए हैं। अगर कश्मीरी जो हैं वो हथियार पकड़ कर लेते हैं नौकरियों, तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं, हमारे बच्चे क्यों ऐसे रहें, उनको क्यों नहीं हो रहा है। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है। प्रदर्शन जारी रहेंगे आपके, अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो प्रदर्शन जारी? बिल्कुल जारी रहेगा, प्रदर्शन करना हम जानते हैं और करेंगे। ऐसी बात नहीं कि प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमने डिवकाम साहब से मिले हैं, डीसी साहब से मिले हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ। वो तीसरे दिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेज देते हैं कि जाओ उधर से फाइलें करो। क्यों करनी ऐसे फाइलें, पहले हमको लिए ही नहीं, हमारे इधर कोई मीटिंग नहीं की कि व्यापार मंडल के साथ बैठकर कोई काम बात करें कि क्यों हमने इधर तोड़नी है, क्या करना क्या नहीं, सिक्स लेन बन रही है या कैसे जगह ले रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। आते हैं ऐसे फिर